हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 9, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, पार्ट 2। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भाई, अगर हम लोग बीमार होते हैं तो हमें दवाई चाहिए ही चाहिए, अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना भी चाहिए, उसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हमें हमारी जरूरत है उसे हमें समय पर पूरी करनी ही पड़ती है। फिर कहते हैं कि भाई, कोई गुमराह हो यानी कि कोई भटका हुआ राही हो तो उसे रास्ते पर लाना जरूरी होता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि-कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज देश में कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख समृद्धि जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भी भूल गए हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोभ के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भाई, हम लोग सोचते हैं कि देश हमारा ऐसा है कि भाई कोई हमें मदद नहीं करता, वो लोग सब हमेशा लोभ मोह और मोह जैसे विकार से विस्तृत है, पर जैसे लक्ष्य की बात भूल गए हैं तो वो लोग अपने ही लोभ में मस्त होकर, लोभ यानी कि ज्यादा धन और कमाना, मोह यानी जैसे जैसे हमें धन मिलता है हम ज्यादा और लोभ करते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, इतना मिला और ज्यादा और मिले, तो वो मोह हो जाता है। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। तो जो आदर्श है, हम दूसरों को जैसे हम लोग हमारे से बड़ों को उनकी इज्जत करते हैं, उनका कहा मानते हैं, हम उन्हीं के बनाए हुए नियमों पे चलते हैं, तो ये सब जैसे आदर्श सब भूलने लगे हैं। संयम को दक्यानुसी यानी कि उनको कुछ भी कहे तो वो लोग किसी का सुनते नहीं है, उनको जो भी ठीक लगे वो लोग कार्य करते हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। तो कि भाई, जो परिणाम होना था वो तो होगा ही, यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि सब लोग हमारे देश में ऐसे नहीं है, कोई लोग ऐसे भी है जो हमें
अब हमें हेल्प करने के लिए खुद का भी नहीं देखते। जैसे हमारे देश में नेताजी है, गांधी जी है, वैसे लोग हमारे देश वो भी हमारे देश के ही थे, पर उन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। पर कोई कोई के कोई कोई ऐसे लोग भी है जो ऐसे लोभ करते हैं और हमारे देश का नाम खराब करते हैं। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। जैसे सब यहाँ पे हमारा जो देश है भारत देश, उसमें सब अच्छे से चलता है, क्योंकि हम लोग दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों का मान करते हैं, और हमारे देश में भक्ति भावना भी ज्यादा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य आज भी हमारे देश में बना हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को पहचानता है। तो लेखक कहते हैं कि भाई हमारा जो समाज है वो ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, परंतु भारतवर्ष में अभी भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। लोगों में ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता है, वो सब हमारे भारत देश में देखी जाती है और हमारे भारत देश के लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अभी भी वो मनुष्यता नष्ट नहीं हुई। जैसे हम सबसे प्यार करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, लेकिन साथ में हम दूसरों की पीड़ा को भी पहचानते हैं और उन्हें मदद भी करते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। कि भाई हम जैसे सुबह में उठते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भाई उसमें हमेशा इसने ये किया, यहाँ पे ये हुआ, ये चीज यहाँ पे ऐसी थी, तो ये सब हम पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में भी यही चीज आती है। तो हम सोचते हैं कि क्या हमारे समाज में यही सब तत्व है। तो फिर उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हो तो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बोले सब लोग क्या ऐसे ही काम कर करके धन को कमाते हैं और मान, जैसे जो लोग ज्यादा धनवान होते हैं उन्हें मान भी ज्यादा मिलता है, पर वो धन कैसा है, जैसे बेईमानी, गलत तरीके से कमाया हुआ। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उससे रस लिया जाता है और दोषोद्घाटित को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरा है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें
उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, कि भाई अगर हम किसी को कुछ गलत काम करते हुए देखते हैं और उसमें जाकर हम वापस उन्हीं के बारे में गलत बोले, वो हमारा दोष है। पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ हम मिले और अच्छाई के साथ जुड़ जाए तो वो बुरी बात नहीं है। कि भाई सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो यहाँ पे मैंने, यानी कि लेखक ने उनके साथ जो घटना घटी थी उनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार वे रेलवे स्टेशन पे टिकट ले रहे थे तो उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया, फिर टिकट लिया और जल्दी जल्दी वे गाड़ी में आकर बैठ गए। पर थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में वो एक जो वहां पे आदमी वो आए टिकट वाले, वो हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करते थे, जैसे उनको ऐसा लगा, और धीरे 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 करके वो आगे आए और उन्होंने लेखक को देखा और फिर उन्होंने वो जो बाकी के पैसे थे वो उनको उनके हाथ में दिए और बोले कि ये 90 रुपये आप लेना भूल गए थे और मैं देना भूल गया था, तो ये मेरी भी गलती थी। यह कहकर वो उनके हाथ में पैसे देते हैं और उनको जब वो पैसे दिए तो उनको जैसे एक संतोष हो गया कि हाँ चलो मैंने उनका जो पैसा था वो दे दिया। तो उस टाइम पे लेखक को लगा कि नहीं, हमारे भारत देश में ऐसे भी लोग हैं जो विनम्रता से और ईमानदारी से वो अपना कार्य करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछनीय घटना भी हुई है। तो लेखक कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी कि खत्म हो गई है, कि वैसे ही अनेक वांछनीय के ऐसे भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। परंतु यह एक घटना ढगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे साथ अच्छी घटनाएं भी हुई और बुरी घटना भी हुई, उसमें से ये एक जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली घटना है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो लेखक जो घटना के बारे में बता रहे थे वो ये घटना है कि लेखक और उनका परिवार, उनके बच्चे पत्नी वो सब एक बार बस में जा रहे थे, पर बस ऐसी थी कि वो रुक रुक कर चलती थी। तो जैसे थे गंतव्य यानी जैसे तैसे करके वो थोड़ी 5 मील दूर हो गई, पर जैसे वो बस रुकती है वहां पे वो निर्जन सुनसान स्थल था, तो सब लोग डर गए। और डर तो गए, पर वो कैसा समय था, रात का समय था, और उसी के कारण सब यात्री घबरा भी गए। तो कंडक्टर ने क्या किया कि उसने बस के ऊपर जो साइकिल रखी हुई थी उसे लिया और वो फटाफट वहां से चला गया, पर उसने किसी को कुछ भी बताया नहीं।
तो लोग संदेह करने लगे कि भाई ये जो कंडक्टर है बस तो यहाँ पे बिगड़ गई है, पर ये जो कंडक्टर है वो हमें धोखा देकर ऐसे रात के अंधेरे में हमें छोड़कर चला गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्लाते रहे थे, चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, तो जैसे बस में बहुत सारे लोग थे तो वो आपस में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो बस रुकी है इस रोड पे तो डकैती भी होती है, और 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक बस को लूट लिया गया था। तो लेखक कहते हैं कि परिवार के सहित मैं ही अकेला इस बस में था और बच्चे को प्यास भी बहुत लगी थी, तो बच्चे पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो वो बस का जो ड्राइवर था, वो सब बस में जो नौजवान थे वो लोग ने क्या किया कि ड्राइवर को मारने के लिए उसे पकड़ लिया और बोले, इनसे ही हमारा हिसाब पूछते, ऐसे करके उनको ड्राइवर को मारने लगे। तो उन्होंने वो ड्राइवर जो थे उन्होंने बचाने के लिए लेखक को कहा, तो लेखक की तरफ वो कातर नजर में, यानी कि उनकी तरफ ही देखता रहा। उनको लगा कि ये आदमी बचाए ऐसा लगता है, तो वो उनकी तरफ देखकर उन्हें कहता है कि मैं बस का कोई बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग, मुझे बचाइए। पर जो बस की पब्लिक थी, वो लोग जो थे नौजवान, वो सब वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो जो कंडक्टर था वो पहले ही चला गया था, पर उनको ये नहीं पता था कि वो कोई दूसरी बस का बंदोबस्त करने के लिए गया था। और यहाँ पे जो यात्री थे उनको ऐसा ही लगा कि वो डाकुओं को बुलाने के लिए चला गया है। इस तरह से वो लोग उनके ऊपर संदेह करके जो ड्राइवर था उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। तो लेखक कहते हैं कि वो जो अरे ड्राइवर था वो काटर ढंग से देख रहा था, काटर ढंग से यानी कि वो भयभीत हो गया था और लेखक को बचाने का इशारा दे रहा था। लेखक ने जैसे तैसे करके उसे लोगों से मारने से तो बचाया, पर 1.5-2 घंटे हो गए तो उनके बच्चे भी भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए थे और उनकी पत्नी की और उनकी लेखक की हालत ही भी बहुत गंभीर हो रही थी कि बुरी हो रही थी, क्योंकि उनको भी वहां पे जैसे बच्चों को देखना था, उनकी पत्नी की भी चिंता थी और साथ में जो लोग थे वो उनको भी वो ड्राइवर को भी बचाना था, इसलिए उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर उसे घेर कर रखा और कंडक्टर की राह देखने लगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है।
उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे तक पहुंच गए। तो उन जो बस के यात्री थे वो लोग तो कंडक्टर पर संदेह कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ बोल के नहीं चला गया था और वो ऐसे ही जल्दी जल्दी में चला गया था। वो सोचता था कि मैं जल्दी जल्दी, रात हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी से अड्डे यानी कि स्टेशन, कोई स्टेशन से बस लेके आता हूँ। तो यह सोचकर वो फटाफट बोलना भूल गया और वो चला गया, पर यहाँ पे लोगों ने उनके ऊपर संदेह किया। तो इसी के कारण वो बस के ड्राइवर को भी घेर के रखे हुए थे कि अगर कुछ भी होता है तो ये ड्राइवर को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, यह सोचकर वो उन्हें घेर कर रखते हैं। वो ड्राइवर जो है वो उनसे गिड़गिड़ाता है, यानी कि काला वाला करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो पब्लिक जो है वो सब मानते नहीं है। तो उसी समय में लेखक क्या देखते हैं कि एक बस उनकी तरफ चली आ रही है और उसमें वह बस में कौन था, जो ड्राइवर साइकिल लेके चला गया था, कंडक्टर, वो कंडक्टर भी उसी में बैठा हुआ था। तो वो बस आती है और वो कंडक्टर भी वहां पे आता है। फिर वो कंडक्टर जो है वो और लेखक के बच्चों के लिए लोटे में पानी और थोड़ा सा जो उनको दूध मिला था वो भी बच्चों के लिए लेकर आता है और लेखक को देते और कहते हैं, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं जो भी मिला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर बाद में जो सब यात्री थे वो बस कंडक्टर का और ड्राइवर का धन्यवाद मानते हैं और फिर वो बस जो दूसरी वाली बस लाए थे उसी बस से वो 12 बजे से पहले जहाँ पे उनको जाना था बस अड्डे तक पहुंच जाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक यह घटना जो उनके साथ होती है तो बाद में वे कहते हैं कि हम लोग कैसे कहे कि भाई हमारे भारत देश में मनुष्यता लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, कि भाई लोगों के मन में अभी दया माया ही नहीं रही, कि मैं ये कैसे भूल जाऊं कि यही हमारा भारत देश है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमें वह हम लोग ये भूल जाए कि भाई हमें कभी किसी ने धोखा दिया था, हमें किसी ने नुकसान किया था, पर हाँ हम लोग ये भी याद रखें कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ था। हमेशा हमें बुरी चीजों को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को मदद भी करते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करते पर उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनका विश्वास रखते हैं और उनको धोखा भी नहीं देते और हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि संसार में, तो कह कवि के आर्य लेखक कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हमारे भारत देश के जो कार्य है उन्हें हमेशा चलाता रहूं और हमारे भारत देश में हमेशा नई ज्योति जली रहे। कि भाई हमारा भारत देश जो है वो ऐसी अनेक घटनाएं हैं, हमारे भारत देश में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिससे लगता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, यह हमारा भारत देश नया भारतवर्ष है। विद्यार्थी मित्रों, क्या यह लेसन समझने के बाद आपको लगता है कि जीवन में कभी हमें निराश होना चाहिए? विद्यार्थी मित्रों, जीवन में मुश्किलियां बहुत बड़ी बड़ी आती है, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी जरूर मिलता है, तो क्या निराश हुआ जाए? मेरा मन कहता है नहीं, 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 नहीं। विद्यार्थी मित्रों, हमें हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए। चाहे कैसी भी आपत्ति आए, उसका हल निकल ही जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से अपना स्व अध्ययन कार्य शुरू होता है, शब्दार्थ और टिप्पणी और मुहावरे। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पांच छह वाक्य में उत्तर लिखिए। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। विशेषण बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए और विरोधार्थी शब्द बनाइए।